ऐसा है कि जो इसमें एक्टिविटीज है वो हर रोज आप अपनी रूटीन लाइफ में करते हो। टेस्टिंग, टेस्टिंग का मतलब है कि आप जो फूड आइटम खाते हो या आपकी कोई भी फेवरेट चीज खाते हो तो उसका टेस्ट कैसा होता है, आपको अच्छी लगती है खाने में अच्छी नहीं लगती है, तो वो कैसे पता चलता है? जब आप मुंह में डालते हो तो आपकी जो टंग है उसके पे उसका टेस्ट आता है, तो आपको पता चलता है कि चीज कैसी है, आपको अच्छी लगती है, आपको अच्छी क्यों नहीं लगती है। तो फ्रेंड्स आज उसके बारे में देखना है। उसके पहले एक स्टोरी है थोड़ी सी डिफरेंट डिफरेंट टेस्टीज की, मतलब कि आप अगर कोई स्वीट चीज खाते हो तो आपको अच्छी लगती है, क्यों? क्योंकि उसका टेस्ट मीठा होता है। फिर कोई स्पाइसी सब्जी होती है उसका टेस्ट तीखा होता है, आपको अच्छा लगता है। फिर कोई डिफरेंट फ्रूट्स है, डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स है, तो सबके टेस्ट जो होते हैं अलग अलग होते हैं। तो आओ उसके बारे में देखते हैं डिफरेंट टेस्ट। जुम्पा रेन टू द किचन एंड कॉच होल्ड ऑफ माय मदर से, जुम्पा नाम की जो लड़की है उसके बारे में ये स्टोरी, वो उसके रिलेटेड है। वो जल्दी से किचन में जाती है, वहां पे अपनी मम्मा, उसकी मम्मा जो होती है वो खाना पका रही होती है। माँ आई एम नॉट गोइंग टू ईट दिस बिटर करेला, उसकी मम्मा जो थी वो करेले की सब्जी बना रही होगी तभी यहाँ पे उसकी बात चल रही है। तो उसने बोला कि मम्मा ये जो तुम करेला बना रही है कड़वा कड़वा वो मैं नहीं खाऊंगी, और आप सबको पता है कि उसका टेस्ट कैसा होता है कड़वा। गिव मी गौर एंड रोटी, गौर का मीनिंग है जैतरी, जो मीठा होता है इसीलिए सबको पसंद है। तो उसने बोला कि मम्मा मैं करेला की सब्जी नहीं खाऊंगी बट मुझे जैगरी एंड रोटी देना, मैं वो खाऊंगी। माँ स्माइल एंड सेड, मम्मा ने स्माइल की एंड बोली यू एट रोटी एंड सुगर इन द मॉर्निंग, तूने सुबह मॉर्निंग में तो रोटी एंड सुगर खाई थी। जुलर टेस्ट जुम्पा, डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट, उसका जो जोलन है वो उसको बोल रही है, मतलब उसकी जो मम्मा है, तू सुबह से एक ही टेस्ट की चीजें खा रही है तो तू बोर नहीं हो जाती इससे, क्योंकि मॉर्निंग में उसने सुबह रोटी खाई थी। फिर दो बार में जब मम्मी लंच बना रही थी तब भी वो बोल रही थी कि मम्मा मैं करेला नहीं खाऊंगी, मुझे रोटी और जैगरी दे दे, तो उसका भी तो टेस्ट तो स्वीट होता है। तो डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट, तो एक ही टेस्ट से बोर नहीं हो जाती है। जुम्पा रिप्लाइड क्विकली, जुम्पा ने तुरंत जल्दी से रिप्लाई दे दिया, डू यू गेट बोर्ड पिंच ऑफ लिकिंग इमली, मतलब कि इमली का टेस्ट खट्टा होता है, तो उसकी मम्मी इमली खा रही तो वो बोलती कि तू इमली बार बार खा रही है तो उससे तो बोर नहीं हो जाती है। नेक्स्ट, आई गेट योर माउथ इज वॉटरिंग जस्ट बाय हियरिंग द वर्ड इमली, मतलब कि इमली का नाम सुनते ही। फ्रेंड्स आपके साथ भी ऐसा होता है, आप ऐसी कोई चीज होती है जिसका नाम सुनते हो तो बार बार मुंह में से पानी निकलने लगता है, कि जैसे इमली सबको अच्छी लगती है तो उसका नाम सुनते ही मुंह में से पानी निकल आता है। श्योर आई लव द श्योर इमली, श्योर आई लव द श्योर इमली, मतलब जो खट्टी इमली है मुझे बहुत पसंद है, बट आई एट स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स टू, बट मैं उसके साथ सॉल्ट एंड स्वीट, मतलब मीठी एंड थोड़ी जो सॉल्टी टेस्टी होता है वो भी खाती हूँ। आई इवन ईट करेला, मैं करेला भी खाती हूँ, करेला कड़वा होता है। सेड जोलन एंड लुक्ड एट हर मदर, वो उसके साथ देखते हुए अपनी मम्मी के पास में देखती है। दे बोथ लाफ्ड हार्डली, दोनों हंसते। नेक्स्ट, जोलन सेड टू जुम्पा, जोलन ने जुम्पा को बोला लेट्स प्ले गेम, चल एक गेम रमते। यू क्लोज योर आईज एंड ओपन योर माउथ, तू अपनी आईज को क्लोज कर एंड अपने माउथ को ओपन कर। आई विल पुट समथिंग टू ईट इन योर माउथ, मैं तेरे माउथ में कुछ खाने के लिए रखता। तो फ्रेंड्स
दीपा है एंड ए जोलन जो लड़की थी वो है। आई विल पुट समथिंग टू ईट इन योर माउथ, मैं तेरे माउथ में कुछ खाने का रखती हूँ। यू हैव टू टेल व्हाट इट इज, मुझे बताना है कि ये क्या है। जोलन टुक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन अ स्पून एंड पुट देम इन जोपास माउथ। जोलन ने क्या किया, स्पून में थोड़े से नींबू के रस का बूंद डाल दिया और उसके बाद वो झुंपा के माउथ में रखा। श्योर लेमन, झुंपा रिप्लाइड क्विकली। झुंपा ने तुरंत से रिप्लाई दे दिया कि खट्टा लेमन। तो वो तो आपको भी फ्रेंड्स पता चल जाता है ना, आप कोई भी खट्टी चीज खाते हो या कोई स्वीट चीज खाते हो तो उसका टेस्ट तो आपको जैसे ही मुंह में आता है आपको पता चल जाता है कि ये किसका टेस्ट है। जोलन then picked up a small piece of jelly. उसके बाद उसने एक छोटा सा जेली का पीस लिया। Her mother suggested crush it, otherwise she will know what it is. तो उसकी मम्मा ने बोला कि उसको तू क्रश कर दे, जो जेली का पीस लिया उसको क्रश कर ले वरना उसको पता चल जाएगा। जोलन क्रश कर दे जेली पर झुंपा इजीली गेस करके जोलन ने फिर से उसको क्रश करके डाला। बट उसके बाद भी झुंपा ने उसको पहचान लिया कि ये जेली है। दे प्लेड द गेम विद डिफरेंट फूड आइटम, उन दोनों ने डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम के साथ ये गेम प्ले की। झुंपा को टेल द फ्राइड फिश इवन बिफोर टेस्टिंग इट। जोलन से नाउ क्लोज योर नोज एंड टेल मी व्हाट दिस इज। गेम खेल रहे थे उसके जस्ट पहले उन्होंने एक फिश फ्राई किया था, उसका टेस्ट नहीं किया था। तो उसके बाद उसने बोला कि तू अब तेरा मुंह में नहीं डालना है, तेरी आंखें क्लोज कर और उसकी स्मेल से तू बोल कि ये क्या है। झुंपा वॉज कंफ्यूज, इट इज अ बीट पीटर अ लिटल सॉल्टी एंड समवॉट श्योर। उसने बोला ये थोड़ा बीटर है, उसका टेस्ट थोड़ा सॉल्टी आ रहा है, थोड़ा श्योर भी आ रहा है। गिव मी वन मोर स्पून, उसने बोला कि मुझे एक स्पून ज्यादा दे। जोलन टुक अनदर स्पूनफुल ऑफ कुक्ड करेला, अनकवर्ड झुंपास आइस। उसने जो करेला जो अनकुक था वो उसकी आइस के सामने रखा एंड सेड हियर इट इज, ईट, ले उसको तू खा। झुंपा लाफ्ड, यस गिव मी मोर। झुंपा ने हंसते हुए बोला कि हाँ मुझे और दे। फ्रेंड्स आपको भी पता है कि आप जब डिफरेंट डिफरेंट फूड खाते हो तो उसका टेस्ट आपको कैसा लगता है। तो सब्जी भी मम्मी जब घर पे बनाती है तो आपको जो सब्जी पसंद आती है वो ही आप ज्यादा खाते हो, जो नहीं आती है वो आप नहीं खाते हो। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे झुंपा के साथ हुई है। नेक्स्ट एक और स्टोरी है फ्रेंड्स, क्लोज योर आईज एंड टेल, आपकी आंखें बंद करनी है और बताना है। कलेक्ट अ फ्यू फूड आइटम्स हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट जिसका होता है वैसे फूड आइटम आपको कलेक्ट करनी है। प्ले अ गेम विद योर फ्रेंड्स लाइक झुंपा एंड जोलन। झुंपा एंड जोलन जैसे फ्रेंड्स है उनके साथ ये गेम आपको खेलनी है। टेल योर फ्रेंड टू टेस्ट द फूड एंड आस्क, अपने फ्रेंड को इस फूड का टेस्ट करने को बोलो। हाउ डिड इट टेस्ट, व्हाट वाज दिस फूड आइटम। जब आपको भी कोई मम्मी घर में देती है कि ले उसका टेस्ट कर ये कैसा बना है, उसमें क्या कम है, कोई स्पाइसेस कम है, तो फिर से मम्मी डालने को बोलती है, तो आप टेस्ट करते हो तो डायरेक्टली टेस्ट कैसे करते हो फ्रेंड्स कि मुंह में डाल देते हैं उसका टेस्ट करते हो। तो मुंह में डालते हो तो मुंह में ऐसा कौन सा का जो बॉडी का पार्ट है कि उसकी वजह से आपको उसका टेस्ट पता चलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन किया है हाउ डिड इट टेस्ट, उसको आप कैसे टेस्ट करोगे। तो आपने मुंह में डाला तभी आपको उसका टेस्ट पता चला। व्हाट वाज दिस फूड आइटम,
उसके बाद पता चलेगा ना ये कौन से फूड आइटम है। नेक्स्ट, ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग कुड यू गेट द मोस्ट टेस्ट। टंग का कौन सा पार्ट है कि जहां पे ज्यादा टेस्ट आता है कोई आइटम का। इन फ्रंट, एट द बैक, ऑन द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द टंग। आपको याद है बहुत सारे पार्ट पता है, इन फ्रंट, इन बैक, ऑन द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द टंग। जो फ्रंट का पार्ट है, बैक वाला पार्ट है, लेफ्ट वाला एंड राइट वाला। तो फ्रेंड्स, जनरली आपको पता है कि आप फ्रंट वाले पार्ट पे जब कोई भी आइटम का छोटा सा पीस रखते हो तो आपको तुरंत उसका टेस्ट पता चल जाता है। सेकंड है, विच टेस्ट कुड बी मेड आउट ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग, मार्क दिस पार्ट ऑन द पिक्चर गिवन। तो फ्रेंड्स, आपको ये पिक्चर में उसके पार्ट के बारे में मार्क करना है जो आपको होमवर्क में करना है। होमवर्क में सिर्फ एक टंग वाला पार्ट ढो करके उसके पार्ट आपको लेबल करना है। नेक्स्ट है, वन एट अ टाइम पुट सम थिंग्स टू ईट इन अदर पार्ट ऑफ योर माउथ। नेक्स्ट, एक और एक्सपेरिमेंट करना है कि आपके मुंह में कोई अदर पार्ट पर थोड़ा सा फूड आइटम का पीस रख लो। अंडर द टंग, ऑन द लिप्स, ऑन द रूफ ऑफ द माउथ, डिड यू गेट एनी टेस्ट देयर। ये जो जगह बताइए वहां पे आप फूड आइटम रखोगे तो क्या आपको पता चलेगा कि ये कौन सा फूड है, उसका टेस्ट कैसा है। चैधरी को जब आप अपने लिप पे रखते हो आपको क्या उसका टेस्ट पता चलता है, नहीं चलता है। फ्रेंड्स, टंग के नीचे वाले पार्ट पे रखते हो क्या उसका टेस्ट पता चलता है, नहीं चलता है। तो ओनली टेस्ट के लिए हमारे मुंह में एक ही पार्ट है, उसको बोलते हैं हमारी टंग। नेक्स्ट, यूज अ क्लीन क्लोथ टू वाइप द फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग। आपकी टंग का जो फ्रंट पार्ट, फ्रंट पार्ट मतलब फ्रेंड्स ये वाला है, उसको एक क्लीन क्लोथ से वाइप करना है सो दैट इट इज ड्राई। तो ऐसा करने से वो ड्राई हो जाएगा। पुट सम सुगर और जेगरी देयर, वहां पे थोड़ा सा जेगरी या सुगर रखो। वुड यू टेस्ट एनीथिंग, क्या आप कोई टेस्ट कर पाओगे। व्हाई डिड दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है। तो फ्रेंड्स, ये एक्सपेरिमेंट आप घर में करके देख सकते हो कि आपकी टंग को आप कोई क्लोथ या आपका हैंडकरचीफ लेके उसको एकदम ड्राई कर देना और उसके बाद उसके पे थोड़ी सी शुगर या जैगरी रखना, तो फ्रेंड्स आप उसका टेस्ट थोड़ी देर के लिए नहीं पहचान पाओगे। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपकी जो टंग है उसका जो पार्ट अपर पार्ट है वो एकदम ड्राई हो जाता है तो वहां पे आप टेस्ट नहीं पहचान पाते। नेक्स्ट, स्टे इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड लुक क्लोजली एट योर टंग। मिरर के सामने खड़े रहके आपकी टंग को देखना है। हाउ डज द सरफेस लुक, कैन यू सी एनी टीनी बम्प्स ऑन द सरफेस। आपकी टंग का जो सरफेस है वो कैसा दिखता है, उसके पे कोई टीनी टीनी बम्स दिखते हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, आप ये घर पर करके देख सकते हो और ये अभी हमने इमेज में भी बताया है, आप यहाँ पे छोटे छोटे बम्स देख सकते हो। नेक्स्ट, मान लो कि रोटी खाते हो तो रोटी को आप बार बार चबा के खाते हो तो उसमें से टेस्ट और मीठा आने लगता है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स, तो देखते हैं। ट्राई दिस टुगेदर इन अ क्लास, या क्लास में या घर पे फैमिली
साथ या ब्रदर सिस्टर के साथ आप कर सकते हैं। Each of you take a piece of bread or a roti or some cooked rice. आप कोई ब्रेड या रोटी या थोड़ा सा राइस लेके ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है put egg in your mouth. उसको आप अपने माउथ में रखो, chew 3 or 4 times and swallow it. क्या करना है उसको? उसको चबाते जाना है, 3-4 times उसको चबाते जाना है. Then the taste changes as you chew it. जब उसको आप बार बार चबाते हैं तो उसका जो टेस्ट होता है वो चेंज होता है. Now take another piece of some rice and chew it 20 to 25 times. अब क्या करना है कि वही सेम पीस अपने जो पहले खाया उसी का सेम पीस लेके उसको 20 to 25 टाइम तक चबाना है. तो क्या फर्स्ट टाइम आपने जो किया था उससे सेकंड टाइम वाला जो है वो चेंज होगा, उसमें दोनों में टेस्ट में थोड़ा सा फर्क होगा. Was there any change in the taste after chewing so many times? तो आप उसको जब बार बार उसको चबाते हो तो उसका टेस्ट क्या चेंज होता है? तो फ्रेंड्स हाँ, उसका टेस्ट चेंज होता है. Now एक एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी टाइप है फ्रेंड्स जो हम यहाँ पे देख सकते हैं. Has anyone at all told you to eat slowly and to chew well so that the food digests properly? जब भी घर पे खाने के लिए बैठते हो, लंच के लिए या डिनर के लिए बैठते हो, तो घर में जो एल्डर्स होते हैं, हमारे मम्मी पापा या ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं, वो हमें बार बार बोलते हैं फ्रेंड्स धीरे से उसको चला के खाओ. तो ऐसा क्यों बोलते हैं? उससे आपकी जो डाइजेशन प्रोसेस है वो इजी हो जाती है. व्हाई डू यू थिंक दे सो दे से दिस? वो लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? इमेजिन यू आर ईटिंग समथिंग हार्ड लाइक अ ग्रीन वा. व्हाट काइंड ऑफ चेंज टेक प्लेस इन इट फ्रॉम द टाइम यू बाइट अ पीस एंड पुट इट इन योर माउथ टू व्हेन यू स्वॉलो इट? थिंक व्हाट डज द सलाइवा इन अवर माउथ डू? आपको फ्रेंड्स कोई हार्ड चीज होती है, मान लो कोई ग्रीन ग्वावा है, तो उसको खाने के लिए आपको एक बाइट करना पड़ेगा और जो बाइट करोगे थोड़ा हार्ड होगा, तो उसको चबाने के लिए आपको और मेहनत करनी. तो उसके लिए लास्ट में बोला है व्हाट डज द सलाइवा इन अवर माउथ डू. हमारे माउथ में जो सलाइवा है वो क्या काम करती है? सलाइवा मतलब आप जब खाते हो तो आपके मुंह में से एक लिक्विड निकलता है, उसको बोलते हैं सलाइवा. तो वो आपके टंग पे निकलता है. नेक्स्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द पाइप, वेयर डू यू थिंक द फूड मस्ट बी गोइंग आफ्टर यू पुट इट इन योर माउथ एंड सॉलो इट? जब भी आप कोई भी चीज खाते हो, अपने माउथ में उसको रखते हो, उसको चबाते हो, उसके बाद वो कहाँ जाती है, आपको ये क्वेश्चन नहीं होता है? तो इन द पिक्चर गिवन हियर ड्रो द पाथ ऑफ द फूड थ्रू अवर बॉडी. आपको सिर्फ इमेजिन करना है कि आप जो खाते हो, मुंह से आपने खाया, उसके बाद वो आइटम कहाँ कहाँ जाती है, आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ पे रहती है, वो आपको इमेजिन करके ये जो फिगर दी है उसमें सारे पार्ट ड्रॉ करने हैं. फ्रेंड्स जैसे जैसे नेक्स्ट स्टैंडर्ड में आप आओगे तो आपको उसके बारे में पढ़ने को मिलेगा, उसके बारे में आप देख सकोगे. नेक्स्ट, शेयर योर पिक्चर विथ योर फ्रेंड्स. डू ऑल ऑफ यू हैव सिमिलर पिक्चर? वो पिक्चर आपको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है और देखना है कि किसने कैसा ड्रॉ किया है. Next, how do you feel when you are very hungry? कैसा फील करते हो जब एकदम आपको भूख लगती है? How would you describe it? For example,
that we jogging we say I am so hungry, I could eat an elephant. कई बार तो आपको ऐसी भूख लगती है, ऐसी भूख लगती है कि ऐसे बोलने लगते हैं कि मुझे ऐसी भूख लगी है मैं अभी कोई एलिफेंट खा जाता हूँ, आपको जो भी मिले वो मैं खा जाता हूँ, ऐसा क्यों होता है? How do you come to know that you are hungry? आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लगी है? Think what would happen if you do not eat anything for 2 days? सोचो कि आपको 2 दिन के लिए अगर कोई खाना ना दे, कुछ खाने को ना मिले, तो आपकी क्या हालत होगी? Would you be able to manage without drinking water for 2 days? क्या आप 2 दिन के लिए वाटर के बिना मैनेज कर पाओगे? No friends. Where do you think the water that we drink goes? आप जो पानी भी पीते हो, वो भी कहाँ जाता है बॉडी में? सोच सकते हो? तो फ्रेंड्स, उसके सारे आंसर के सॉरी क्वेश्चन के आंसर आपको सोच के रखने हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको इमेज दे रखी है कि उस इमेज में सबने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन किए। फर्स्ट ये जो गर्ल है उसने बोला है व्हेन आई एम हंग्री माय हेड, उसने बोला है कि जब मैं हंग्री होती हूँ, जब मुझे भूख लगती है तो मेरा सर दुखने लगता है। नेक्स्ट है उसने बोला आई गेट एंग्री इजीली व्हेन आई एम हंग्री, जब मैं भूखा होता हूँ ना तब मुझे गुस्सा आता है। ये जो थर्ड नंबर का बॉय है उसने बोला व्हेन आई एम हंग्री आई फील टायर्ड, जब मैं भूखा होता हूँ तब मैं टायर्ड फील करता हूँ, मैं थका हुआ रहता हूँ। सेकेंड है व्हेन माय सिस्टर इज हंग्री शी क्राइज, ये जो लड़की है उसने अपनी छोटी सी सिस्टर को अपनी गोद में रखा है और वो बोल रही है कि जब मेरी सिस्टर को भूख लगती है तो वो रोने लगती है। एक डॉग है फ्रेंड्स, आई क्राई टू व्हेन आई एम हंग्री, वो डॉग बोल रहा है कि मैं भी जब हंग्री होता हूँ तो रोता हूँ। तो फ्रेंड्स, उसके बाद में आप सोच सकते हो कि आपको भी जब भूख लगती है तो आपके पास से भी कोई नया ही आंसर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये सबके साथ ऐसा ऐसा होता है। तो हाँ फ्रेंड्स, रियल में भी होता है कि आपको जब भूख लगती है तो आप थोड़ा सा टायर्ड फील करते हो। छोटे बच्चे होते हैं तो वो पता नहीं सकते, इसीलिए अगर इनको भूख लगती है तो वो रोने लगते हैं। कई टाइम जो एनिमल्स भी होते हैं उनके साथ भी ऐसा होता है, अगर इनको खाना नहीं मिलता है तो वो भी चिल्लाने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टेस्टेस एंड उसके बारे में यहाँ पे दिखाया है, वो आपको एक बार रीड करके लिसन करके जरूर याद रखना।